सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, पिछले दो दिनों से बैंकों की तरफ से काफ़ी राहत देने वाली खबरें आ रही, जहां कल एक और SBI ने अपने सभी कस्टमर को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर SBI के कस्टमर योनो ऐप के थ्रू कोई भी परचेजिंग करते हैं 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक, तो उनको बिग डिस्काउंट, करीब 40% तक का बिग डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर उनके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी परचेजिंग करते हैं SBI के, तो उसके अलावा आप लोगों को 10% का कैशबैक भी मिलेगा। तो आज RBI की तरफ से बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर आई है, जिसमें यह बताया गया कि जो 90 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंडिया में बैन होने वाले थे, उन पर फिलहाल खतरा टल गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि RBI ने क्यों 90 करोड़ से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड को बैन करने का फैसला किया था। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें आप लोगों देखते होंगे कि ऊपर वहाँ पे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे या फिर मेस्ट्रो कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वहाँ पे लिखा होता है। तो ये सब जो होती हैं पेमेंट गेटवे कंपनियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ बाहर की कंपनियाँ हैं और कुछ रुपे जो है वो इंडिया की कंपनी है। तो ये कंपनियाँ, पेमेंट गेटवे कंपनियाँ पेमेंट को प्रोसेस करती हैं। तो जितनी भी पेमेंट गेटवे कंपनियाँ जो बाहर की हैं, जिसमें आप वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर मेस्ट्रो कार्ड, इसमें जो क्या करती थी वो कंपनियां कि वो जो इंडिया के यूजर्स का जो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड खाता धारक होते हैं, उनका यूजर्स का जो डाटा होता है वो अपने यहाँ ही स्टोर करती है। मतलब कि जहाँ की कंपनी होती है वहीं वो अपने यहाँ यूजर का डाटा स्टोर करती है। लेकिन RBI ने इसको काफ़ी गलत माना और इन कंपनियों को 16 अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया था। तो लेकिन इन कंपनियों ने अभी तक इस डेडलाइन को माना नहीं है और बोला है कि इससे जो है इनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। लेकिन RBI इनको समय देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, लेकिन RBI ने इसलिए इस डेट को बढ़ाया, 16 अक्टूबर को बैन होने वाले थे लेकिन 16 अक्टूबर से ज़्यादा इसलिए RBI ने बढ़ाया है इस डेट को, ताकि जो इस समय फेस्टिवल के सीज़न आने वाले हैं, आगे दशहरा और दीपावली आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है इंडिया में वो वीजा और मास्टर कार्ड के हैं। करीब 90 करोड़ से ज़्यादा डेबिट कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के हैं, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए RBI ने अभी अपना ये जो फैसला था 90 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद करने का, वो फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया है फेस्टिवल सीजन तक। और जो ये कंपनियां थी वीजा और मास्टर कार्ड, इन पे कुछ जुर्माना भी लगाने का फैसला किया है, जिससे ये कंपनियां आने वाले समय में जल्दी से जल्दी अपना जो डाटा स्टोर करने का जो इंडिया में निर्णय है RBI का, उसको माने। दोस्तों, आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इंडिया के यूजर्स का जो डाटा है वो इंडिया में सेव होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो आप लोग भी अपना जो है राय इस बारे में व्यक्त कर सकते हैं। करीब 80% जो कंपनियां हैं वो मान गई हैं, जिसमें आप लोग का फोनपे, पेटीएम, अमेजॉन, अलीबाबा और व्हाट्सएप पे, ये सब कंपनियां मान भी गई हैं, और गूगल भी अभी मानने को तैयार हो गया है RBI की शर्त। और इसमें गूगल ने थोड़ा सा समय मांगा है, उसने बोला है दिसंबर तक वो कुछ ना कुछ प्लान कर लेगा और इंडिया के यूजर्स का डाटा जो है इंडिया में ही स्टोर करने की कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी वीजा और मास्टर कार्ड का डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है, उनको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने बहुत ही बढ़िया फैसला किया है, जिसका हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। फिलहाल तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बंद होने वाले नहीं है, बल्कि अलबत्ता जो RBI ने इन कंपनियों के ऊपर जो है वो जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ये सारी कंपनियाँ अब इंडिया में डाटा स्टोर करने की कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेंगे। जब गूगल ने मान लिया है तो फिर इनको क्या दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।